चांद और मैं तारा। अब आप खुदा ना खासा ये मत कहिएगा कि आप सारिम के। जी, मैं सारिम का फादर हूँ। फादर? नो वे। भैया आप बैठे ना। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते? हाँ बताया तो था कि सुबह एक मेंटल एक खातून की वजह से मैं सुबह पेट्रोल नहीं डलवा सका था। उनके ग्लासेस तोड़ दिए। नो, ये ग्लासेस नहीं टूटे चांद। तो समझो हमारा रिश्ता ही टूट गया है। क्या बात कर रही हो? भूल गए मीर जाफर साहब, हमारे इख्तलाफात की बड़ी वजह आपका पूरा खानदान था। बहरहाल इतनी बड़ी फैमिली में तो कभी नहीं करूंगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। रूमी शुक्र है अब्बा की खुफिया निकाह की न्यूज जो है ना हमारे निकाह की न्यूज पे हावी हो गई। मामला दब गया, बच गए कसम। चांद भाई आ गया, मैं कॉल करता हूँ। 1 लाख फॉलोवर्स बढ़ गए तुम्हारे, इसीलिए किया था ना निकाह? नहीं भाई, हमारे तो बड़े नेक मकसद थे, ये तो बस। नेक काम गलत तरीकों से नहीं किए जाते। अफसोस इस बात का कि तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं है अपनी हरकत में। सॉरी भाई, मैं इमोशनल हो गया रूमी की अम्मी की बातें सुनकर। तुम्हें कम से कम घर पे बात तो करनी चाहिए थी यार। भाई मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि मेरी और माला की मौजूदगी में तुम्हारी बात को कोई सीरियस नहीं ले। जी तो गलत लगा ना यार। अगर तुम एक बार भी बात कर लेते तो मैं और माला खुद स्टैंड लेते तुम्हारे लिए। और इससे पहले हमारे बड़ों ने हमारी कौन सी बात पे इनकार किया यार? तुम्हें जरा भी अंदाजा है चचा और चची कितने हर्ट हुए तुम्हारी हरकत से? उन्हें कितना मान था तुम पे यार? सॉरी भाई। अरे मुझे क्यों सॉरी कर रहे हो? सॉरी जाके चचा और चची को करो यार। उनसे रिक्वेस्ट करो कि इस मामले का कोई हल निकाले, वो दोनों इतने परेशान है तुम्हारे लिए। तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे यार। भाई लाडले का निकाह हजम करना पड़ेगा, जितनी भी दवाइयां खा लो। अरे मत हिलाएं इतने बाजू, मेरा पहले ही दिल खराब हो रहा है। और जो तुम लोगों ने बाजमात मिलकर मेरी रेपो खराब की है बच्चों के सामने। खुद ही तो बताया था आपने अपना कारनामा सबको। तो तुम बता देती, किसी इश्क माशूकी के चक्कर में नहीं की थी वो शादी? जानती हूँ, किसी शादी वाले घर में आप बिरयानी की देगी पहुँचाने गए थे और वहाँ हक मेहर की बात पर झगड़ा हो गया और निकाह किए बगैर बारात चली गयी और आप सवाब की नीयत से निकाह कर रहे हैं। उसका बाप हाथ जोड़ रहा था सबके सामने। हाँ, और फिर खुद हाथ जोड़कर वो निकाह खत्म किया था आपने, याद है? इंतहाई लालची लोग थे वो। अरे 10 महीने भी नहीं चली वो शादी, तुम 10 साल से मुझे ताने दिए जा रही हो। हालांकि घर आकर सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था। सफू भाभी ये ले 100 फर अदरक का कावा, इससे आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे नाज, यहाँ तो पूरी जिंदगी खराब हो गई है, इस मैदे को ठीक करके क्या करूंगी? गुस्सा ना करे ना, मैंने आपकी बारी का आटा भी गूंद दिया और पूरे घर का चाय का नशा भी पूरा कर दिया, अब आप आराम से सो सकती हैं। हाँ, सबकी नींद बर्बाद करके इनको नींद आ जाए। माने ना माने, मुझे तो लगता है सफू भाभी को नजर लग गई है, सबका दे आप इनका। लो जी फिर हार गया, आज तो किस्मत ही खराब है। तुम सो जाओ, मेरा तो ख्याल ही नहीं है ना कोई। आज अपने कमरे में नहीं गई? बस वैसे ही मामा। अगर काम में दिल नहीं लग रहा तो एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, घर आराम करो। I'm sorry मामा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि मामला इंसानी जानों का है जिसके लिए हम अपने अल्लाह के सामने जवाब दें। मैंने डॉक्टर शब्बीर और डॉक्टर फारिया को भी सॉरी का मैसेज कर दिया। अच्छा की। खफा हो? इसका हक कभी दिया है आपने मुझे? हमेशा दिए। फिर भी मैंने हमेशा वही किया जो आपको अच्छा लगा। मसलन मैं फाइन आर्ट्स करना चाहती थी लेकिन आपने कहा मेडिकल करो। मैं पीट्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहती थी
लेकिन आपने कहा गायनी में करो। मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहती थी लेकिन आपने कहा घर में पढ़ो। पापा के साथ रहना चाहती थी लेकिन आपने कहा मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। तो मेरे ये फैसले गलत थे क्या? मैंने ये कब कहा? तो फिर बेटा इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी का जो भी फैसला करूंगी वो बेहतरीन होगा। मामा बात सही और गलत की नहीं है, अब दिल की खुशी की है जो आपके बनाए हुए पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतर रहा। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ क्योंकि दुनिया को मैंने ज्यादा नजदीक से देखा है। तो फिर अपने लिए कैसे कर लिया था गलत फैसला? क्योंकि मैंने भी अपने बाप की मर्जी को छुटला कर किया था तुम्हारे बाप से शादी करने का फैसला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम वो गलती दोहराओ। डॉक्टर अशर की फैमिली को बुलवाया मैंने। मुझे नहीं करनी है मामा उससे शादी। तुम एक बार मिल तो लो, शादी करना ना करना ये तो बात की बात है। खुदा का खौफ करे मत्ती, घर मैदान जंग बना हुआ है रात से और आप यहाँ बैठे चिल कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने अपने बैंड को छुट्टी दे दी। ऐसी बातों का मत्ती को पहले से ही पता होता है। वैसे आपके एक्सपीरियंस का आपके अलावा कोई और बीट भी तो नहीं कर सकता। ये लें चाय। ये बताओ, ये सलीम भाई के मोर्चे में बड़ी खामोशी आज। तुम अपने मोर्चे की ध्यान करो और सलीम को बुलाओ। ऑर्डर आया हुआ केटरिंग का, मिर्जा साहब का। और म्यूजिक? उनकी वालदा का 40वां है, कौन सा म्यूजिक बजाओगे? माँ प्यारी माँ चली गई, दुआ कौन करेगा। सब रोएंगे, बड़ा मजा आएगा। बाबू भैया, सलीम भाई तो हालत सोग में है रात से, आपको चाय ला दूं? हाँ दे दो। नहीं नहीं, ये चाय है ना, ये पी लीजिए आप, ये तो ये मशवरा कर। हाँ इसके लिए ले आना फिर। ठीक है, ठीक है। और सफो की तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं कौन सा मगरमच्छ खा लिया है रात से, उल्टियां ही किए जा रही है, लेटी हुई है मेरे कमरे में। अस्सलाम वालेकुम बाबू जान। वालेकुम सलाम। निकाह तो तुमने खड़का दिया मियाँ, अपने बाप का दरवाजा भी खटखटाओ और जाकर उसे सॉरी बोलो। इसी पर तो गुस्सा है उन्हें रात से। मच्छू ऐसे किसी और बात पे ज्यादा गुस्सा है। खैर जिस बात पे भी गुस्सा है उनको जाकर मनाओ, हरकत तुमने भी कोई अच्छी नहीं की। सॉरी बाबूजान। देखो बेटा, माँ बाप अगर आजादी दे ना तो बच्चों पे भी कुछ जिम्मेदारी आती है, उन्हें अपनी लिमिट्स का मालूम होना चाहिए, अपनी फैमिली और सोसाइटी की वैल्यूज का। जी बाबू जान। हाय, नजर ही लग गया हमारे बच्चे को। नहीं बिल्कुल, ऐसी वाली चाय मिली लो, अभी लेकर आ रहा। चीनी ज्यादा तो नहीं डाल दी? बुल्लों के हाथ का मजा नहीं है, बहुत मीठी। हाँ मीठी चाय बहुत बनाती है, वो चाय तो लगती नहीं, लगता गन्ने का रस पी रहा है। लेकिन मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। हाँ तुम तो क्या कहोगे उससे? नहीं अब कोई प्यार से कुछ देगा तो मना थोड़ी करेंगे। बकौल सलीम के, जोरू का गुलाब। कहाँ भगा के लेके जा रहे हो मुझे? और जो कई साल से मैं भाग रहा हूँ तुम्हारे पीछे। दो इंच हाइट तो घिस गई होगी तुम्हारी। मेरी हाइट को छोड़ो, ये बताओ डॉक्टर राजिया का ब्लड प्रेशर कुछ नॉर्मल हुआ या नहीं? हाँ, उसे नॉर्मल करने के लिए उन्होंने अपने फेवरेट कैंडिडेट डॉक्टर अशर को बुलाया मिलने के लिए। वो हड्डी जोड़ तोड़ तुम्हारे घर क्या करने आ रहा है? नैन तारा से रिश्ता जोड़ने। नजरें भी उठा के देखी ना उसकी, दोनों आंखें निकाल के उसके हाथों में रख दूंगा मैं। तुम्हारे अंदर कौन सा डॉन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है? तुम्हारे मामले में मैं डॉन ही हूँ। तुम उसे फोन करके मना करोगी, वो कोई नहीं आ रहा तुम्हारे घर। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी मोहब्बत के मामले में बच्चों जैसा ही हूँ मैं। प्लीज मम्मा को मना करो, कहना वो नहीं आएगा घर हमके। मैं नहीं कर सकती उनके साथ ऐसा। अच्छा मेरे साथ ऐसा कर सकती हूँ तो? तुम्हारे साथ क्या किया मैंने? तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं मेरा। तुम चाहती हो वो तुम्हारे घर आए, तुम्हें देखे और मैं खामोश रहूँ? तो क्या शोर मचाओगे, दुनिया को बताओगे? मेरे शोर मचाने से होगा क्या, जब तुम्हें ही मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। ठीक है जो मम्मा कहती है वो कर लो तुम। यही तो सोच रही हूँ, इनकार कैसे करूँ उन्हें। ठीक है मत करो फिर इनकार, कर लो वही शादी जहाँ मम्मा कहती है। मैं तुम्हारा लगता कौन हूँ? एक दोस्त, वो भी कच्चा पक्का सा। अरे अस्सलाम वालेकुम।
तुमने बुलाया उसे? ये तो रोज ही आता है, आपने आज देखा है। काफी फारिग लगता है। इसी फारिग ने अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी को सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया है, वो भी लाखों में। मेरे प्यारे सलीम चचा के लिए अदरक वाली चाय। माशाल्लाह बड़ी खिदमतें हो रही हैं भाई। मुगलिया खानदान के जलालुद्दीन अकबर की रूह आ गई है इनमें, हालांकि नाम तो दादी ने शहजादा सलीम पर रखा था। माला इससे कहो तमीज से बात करे हमसे। तमीज से बात करो हाशु, चलो फौरन अच्छी और मुहज़्ज़ब ज़बान में चाचा से माफी मांगो। काबिले एहतराम अब्बा हुजूर, आपके इन पैरों की कसम, गलती हो गई मुझसे। अब वो यतीम बच्ची है, थोड़ा आप भी दिल बड़ा कर लें, दोनों मिलकर टिकटॉक से कमाएंगे। आइंदा नहीं दूंगा शिकायत का मौका। चचा मान जाए, शहजादे सलीम के नाम की लाज रख ले, आपको अनारकलीनी सफूर चची का वास्ता है। हाँ। तुम देखना तो सही, रोज पछताएगा अपनी इस हरकत पर। नहीं अब्बा, इसका मतलब भाग गए। देखा, मैंने कहा था कि हमारे चचा बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड और लेटेस्ट वर्जन के बुजुर्ग हैं। वाह, तुम तो बताओ है? क्यों मस्का लगा रही हो सुबह सुबह? वो चाचा एक्चुअली कैंप लग रहा है लाहौर में बास्केटबॉल नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी के लिए। तो चुप करके अपनी शादी की तैयारियां कर ले आप पहले। तुम्हारा निकाहोगे तो क्या पूरे पाकिस्तान का कराओगे? अरे जिम्मेदारी है आप हमारी अब्बा। पहले अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी करो, चलो जाओ अस्पताल लेकर जाओ उन्हें, रात से तबीयत खराब है उसकी। इसी की वजह से हुई खराब? मेरी वजह से तबीयत खराब नहीं हुई, वो जो कल अब्बा का किस्सा रिपीट टेलीकास्ट हुआ ना, वो दिल पे ले लिया उन्होंने। माला जूता पकड़ाना। अरे आप मेरा ले सलीम चाचा ऐसे कैसे? अरे जा रहा हूँ। अब्बा निकाह हो गया मेरा, अब थोड़ी सी इज्जत बनती है वैसे। गया। अच्छा तो आप जरा बाबूजान से बात करें ना मेरे लिए, आप तो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। करता हूँ बात। तुम पहले जाके सफू चची को जरा फालसे का शरबत बना कर दो, ठंडा करो उन्हें। हाँ मैं बनाती हूँ ना, अभी आती हूँ। तख लिया। लगता है बॉडी पार्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं ज्यादा यूज करने से। एक्सपायर हो गए। जी डॉक्टर फारूक, बिल्कुल याद है मुझे, अभी तो मैं तारा के साथ जॉगिंग से वापस जा रही हूँ। हाँ भाई, फिटनेस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। तारा तो बिल्कुल मेरी कॉपी है। लाइफ में जो रूल्स मैंने सेट कर दिए हैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। आपको खुशी होगी उससे मिलकर। यही हाल कर रही हो तुम आजकल अपने मरीजों का। मामा मैं कितनी बार आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। डॉक्टर की सॉरी से मरीज की जिंदगी नहीं बच सकती। मामा खुदा ना खास्ता किसी मरीज की जान नहीं गई है। इसीलिए कहती हूँ अपने काम पर फोकस करो, पता नहीं आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ उलझा रहता है। मामा पिछले दो दिनों को छोड़ के कभी आपको मेरी कोई कंप्लेन मिली है? कितने डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटीज मैंने अकेले की है। तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो उस 2% के इंजीनियर के पीछे? क्या लाइफ देगा वो तुम्हें? मामा अब आप गलत बात कर रही। गलत वो कर रहा है तुम्हारे साथ, उठाकर उस सर्कस का हिस्सा बनाना चाहता है जहाँ अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो जाए 2-4 घंटों। अब तारा को उसके सिग्नेचर स्टाइल में बातें सुना के ही गड़ जाऊंगा मैं। मामा हाँ आप क्यों कर रही हो बार-बार कॉल्स? मान लो ना मामा की बात, ना तो उन्होंने खुद एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारी और ना तुम्हें गुजारने देंगी वो। नहीं प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम उनके दिमाग में है जिसपे उनके खुद साख्ता उसूल डाउनलोड हो चुके हैं। हेलो, अरे मेरी कॉल काट दी, अभी तो खुद कॉल कर। मैं भी नहीं करूंगा। इस शख्स से शादी करना चाहती हो तुम?
जो तुम्हारी माँ के बारे में इतना गलत सोचता है। मामा गलत बात की है इसने, लेकिन आपने भी गलत किया मेरी पर्सनल कॉल अटेंड करके। बिल्कुल ठीक किया मैंने, कम अज कम खुलकर सामने तो आ गया उस इंजीनियर के दिमाग का असल सॉफ्टवेयर। मामा मैं समझाऊंगी उसे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जैसा भी है मुझे तुम्हारे लाइफ पार्टनर की हैसियत से बिल्कुल पसंद है। अम्मी ये रेड लिपस्टिक लगाएं, अब्बा बता रहे थे आप बहुत क्यूट लगती हैं इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खून पीने वाली बला लगती है। अरे खून तो आप और आपका बेटा पिए जा रहे हैं कई सालों से मेरा, इसलिए तो ला रहा हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए आपकी बहू। ब्लशन लगे। अरे दफा कर इस ब्लशन को, हया की लाली अब भी है मेरे गालों पर। और हाँ उस टिड्डी का नाम ना लिया कर मेरे सामने। हाशी मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। नहीं लेता अम्मी नहीं लेता, आप मस्कारा तो लगा लें। अरे बेटा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कौन सा तुम्हारे ना होने वाली ससुराल भी जा रही हूँ। ओ मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ले आना और तुम जाके देखो कि बाबू भैया दफ्तर में है कि नहीं। दफ्तर? दफ्तर जैसे कोई डिफेंस में बहुत बड़ा दफ्तर लगाया हो। अरे तीनों भाइयों ने नीचे घर में मिलकर ही दुकान खोली हुई अपनी, बाबू वेडिंग वेल्स दफ्तर। लो जी लगता है कि मती को कोई नया काम मिल गया। इस मति का तो काम है सारा दिन बाजा बजाकर हमारा दिमाग खराब करना। मेरा ख्याल है इसी दमदम की वजह से ना हमारे घर के फैसले गलत हो रहे हैं, सारे बच्चे गलत फैसले। बिल्कुल ठीक कह रही है, जब रूमी की अम्मी ने मुझे प्रेशराइज किया पीछे मच्छू का बैंड बज रहा था तभी तो मैंने हाँ कर दी। अच्छा जब तुमने निका नामे पे साइन किया तो किस मामे की बैंड बज रही थी नीचे? बड़ी बड़ी बातें करा लो बस इससे। अबे वही धुन बजा बजा के दिमाग पका दिया पागल। ये क्या टोपी ड्रामा? Hi guys, ये है फेमस टिकटॉकर हाशिर सलीम का चांद नगर और मैं निकाह के बाद पहली दफा अपने ससुराल आ रही हूँ सरप्राइज विजिट पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Hi चांद भैया मैं आ गई। रुखसत होकर? अरे इतनी आसानी से थोड़ी करूँगी रुखसती अपनी बेटी की, सेलिब्रिटी की शादी हो या जनाजा झूम कर ही निकलता है। हाँ इस घर से भी जनाजे निकलते हैं मोहब्बत के। आए मामा। अरे अंदर का मेरी बात सुने। आ जाए अम्मा। नहीं बस जा रहे ना हॉस्पिटल अभी। चलिए रूमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप लोग यहाँ? सीटू तुम तो पता नहीं कब अपने बिल से बाहर निकलते, इसलिए मैं खुद ही आ गई ओरिएंटेशन लेने। अच्छा ये तुम्हारी मम्मा है ना? उल्टी आ रही है मुझे। नहीं 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 तबियत खराब है, इनको हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे। मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ। तुम गेस्ट को अंदर लेके जाओ। आई आई गेस्ट कहाँ, अब तो मेरी बेटी का ससुराल हुआ। आए हाय जबरदस्ती का ससुराल। अरे 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 तबियत खराब हो जाएगी। अरे 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 जल्दी आ जाओ। तो नहीं लग रहा इनकी तबियत खराब? नहीं बहुत खराब है, आप लोग अंदर आ जाए एसी में आ जाए, क्या मेकअप खराब हो जाएगा? हाँ हाँ जाए जी जी। तुम आज ईएनटी स्पेशलिस्ट से अपने कान चेक करवाना। सोचियो साइकियाट्री के पास चली जाओ। अपने दिमागी खलल का इलाज करवाने? नहीं ये पूछने कि इस घर की खामोशी इतनी काटने क्यों लगी है मुझे। क्योंकि किसी और के घर के बैंड बाजों का शोर दिमाग खराब कर रहा है तुम्हारा। मामा शोर जिंदगी है और सन्नाटा मौत की अलामत। असल मौत तब पड़ती है जब इंसान को अपने घर में दो घड़ियां सुकून की ना मिले। सुकून इंसान के अंदर होना चाहिए, बाहर के शोर शराबों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकून सिर्फ कब्र में होता है, वो भी हर किसी को नसीब नहीं होता। चलो। अरे तुमने भी कुछ नहीं कहा उनको? क्यों घर आए मेहमानों को ऐसे नहीं कहते? हाँ मेहमान, अरे वो तो बलाए जान थे, पहले तो चुप चुपाते निकाह कर दिया और फिर टपक पड़ी अपनी बेटी को लेकर। अरे तो हमारा बच्चा भी तो बच्ची पर फिदा है दिलो जान से। फिर इस बच्चे ने भी मौके पर चौका मारा है खूब। किस बच्चे ने? अरे इसने और किसने? क्यों? अरे डायरेक्ट अपनी सास के हॉस्पिटल ले आए मुझे तुम। वो रास्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं यहीं ले आया आपको। हाँ तुम्हारे चाचा ने भी यही कहा था दूसरे निकाह के वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने दस्तखत कर दिए। वाह। हाँ मुझे माला ने कल रात बताया सब कुछ। हाँ बड़ा कड़ा वक्त था वो वैसे। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी अम्मी को जिसने सारा कच्चा चट्टा खोला उन फ्रॉडियों का और बाबू भैया के साथ मिलकर मेरी जान छुड़ाई उस राज्य खानदान से। लगता है तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, वापस चलते हैं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, वो दोनों माँ बेटियां नौटंकी करी होंगी वहाँ पर, मुझे तुम्हारी वाली माँ बेटी से मिल लेने दो।
उल्टी आ रही है मुझे। चाची प्लीज, ये उल्टियों के चक्कर में मेरी पहले से उल्टी हुई जिंदगी को मजीद उल्टा पुल्टा ना कर दीजिएगा आप। अरे माएं थोड़ी बिगाड़ती हैं अपने बच्चों की बातों को। तो तुम मुझे वैसे ही बहुत प्यारा था, लेकिन गुल्लू भाभी के बाद ना, सच जानो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी औलाद ही समझा। कभी फर्क रखा है तुम्हें और आशु में? चले ना यहाँ से आइए। भाई साहब, बच्चों का निकाह मैंने अपनी निगरानी में कराया था। माशाल्लाह, और सारे इवेंट की मूवी भी बनी है। सुभान अल्लाह। इस मूवी में लड़के के बाप का रोल किसने अदा किया है? यू मस्ट बी किडिंग, है ना? नहीं नहीं, मजाक तो आपने शुरू किया बहन जी। हाँ, हमारा बच्चा और हमसे पूछे बगैर आपने निकाह कर दिया? नहीं, आफ्टर ऑल हम भी खानदानी लोग हैं। नहीं अंकल, मौलवी साहब ने पूछा था ना आशीष से, इसने 3 दफा बोला था कबूल है कबूल है कबूल है ना? बेटा वीडियो बनाना बंद करो, सुकून से बात करते। आंटी फैंस वेट कर रहे होंगे ना? मान लो बात तू। ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे बच्ची तो बहुत अच्छी है, बात मान लेती है। काश हमारा बच्चा भी अच्छा होता और खानदानी अकल इस्तेमाल कर लेता। मैं इसकी टीचर बता देते कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तुम जाओ, जाके चांद को फोन करके पूछो कि कौन से हॉस्पिटल लेके गए सफू भाभी को। जा। डॉक्टर तारा के हॉस्पिटल के अलावा कहाँ जाएंगे वो? कोई खास डॉक्टर है क्या? हमारी समदन है, वो भी डॉक्टर है, आप उनके पास जा सकती हैं और हमारा रेफरेंस देंगी तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाबू भैया मत जाइएगा, थोड़ी खड़ूस है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। जी डॉक्टर सलमान। लेकिन मुझे तो डॉक्टर तारा से मिलना है ना। अरे वो गायनेकोलॉजिस्ट है चाची, आपको कोई ऐसा इशू थोड़ी है। तो है ना, मेरी गायनी की भी तो प्रॉब्लम है ना। है? लगे तो वो भी चेकअप करा लेते हैं एक ही फीस में। जी क्या बातें कर रही हैं आप, यहाँ से रास्ता जाने का? आप आइए मेरे साथ। चाची आए आप। तारा। अरे आप सफीरा चची है ना? तुम तो जानती हो मुझे। जी कल रात से फूड पॉइजनिंग हो रही है ना, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। स्टाफ इनको आप ना डॉक्टर राजी के पास भेजिए। डॉक्टर सलमान ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। वो आज छुट्टी पर है इसलिए मामा के पास भेज रही हूँ। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। माशाल्लाह कितने जच रहे हो तुम दोनों। कौन हम? सॉरी मेरी तो मंगनी हुई है। अरे बाजी हमारी बात कर रही है वो। चची आप जाएं इनके साथ। तुम चलो मेरे रूम में। मुझे गायनी का कोई इशू नहीं है। तुम्हें गैस्ट्रो का इशू है, दिमाग पर गैस चढ़ गई तुम्हारी, फौरन उसको ट्रीटमेंट देना होगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बात तो सुनो। पीपी हाई है तुम्हारा, स्ट्रेस कम लिया करो। ये तुम माँ बेटी की वजह से हुआ है। तुमने भी तो कितना गलत किया है मामा। मैंने क्या किया यार? सुबह वाली फोन कॉल सुन ली थी उन्होंने जिसमें तुम इंतहाई फजूल बातें कर रहे थे उनके लिए। यही डबल स्टैंडर्ड है उनका। वैसे तो बड़ी वेल एजुकेटेड, बड़ी वेल मैनर्ड बनती है, उन्हें सूट करता है इस तरह किसी का भी फोन उठा लेना, किसी की भी बातें सुन लेना। मैं बेटी हूँ उनकी और उन्हें ना पूरा हक है, और मैं तुम्हें भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करो। बुरा लगा मुझे। आई एम सॉरी यार, मेरा दिमाग घूम गया था, तुम बता नहीं सकती थी क्या? तुम समझ नहीं सकती थी क्या? समझाओ। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया आपने? अभी तो बीटा HCG टेस्ट भी करवाना होगा। हाँ हाँ, वो तो मैं करवा लूंगी। वैसे आपकी बेटी बड़ी क्यूट है माशाल्लाह। कॉरिडोर में मिली थी मुझे, लगता है बड़ी सादा और मासूम बच्ची है। और आपको हमारा चांद कैसा लगा? आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग। मतलब 8 वीक्स की प्रेगनेंसी आई है आपकी अल्ट्रासाउंड। हो सकता है आपको कोई गलती नहीं हुई हो। ये मैं नहीं, आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रही है। अच्छा ना, आई एम सॉरी कह तो रहा हूँ, माना थोड़ा रूड हो गया था।
कि ज्यादा मेरा सिग्नेचर स्टाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है ना तुम्हें, तुम समझा करो, मैं मना लूंगी उन्हें, बट थोड़ा टाइम दो। यार वो इतनी रिजिड है, वो इतनी आसानी से कहां मानेंगे। ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। डॉक्टर राजिया, बेटरी के पेशेंट को देख लो प्लीज। अजीब भाई, चिपकू खानदान है इस सारिम का, एक से बढ़कर एक सैंपल, वो भी हर एज ग्रुप। वो उनकी चची का वो देख लिया, चेकअप हो गया? मैं केस हिस्ट्री पूछे जा रही थी, और वो खातून आपको हमारा चांद कैसा लगा, और खुद इस उम्र में एक और चांद चढ़ाने आ गए। कैसा चांद? ऑलरेडी ओवरलोडेड है उनका घर, ऊपर से एक और आ रहा है। क्या मतलब? शी इज एक्सपेक्टिंग। रियली मामा? ये खुश होने का नहीं, उस खानदान की जहालत पर मातम करने का मकाम है। इस एज में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अरे मामा छोड़े ना उस बात को, उनका एक ही तो बेटा है। उस घर में पता ही नहीं चलता कौन किसका बेटा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलाम अलैकुम। सॉरी वो सुबह थोड़ी सी बदतमीजी हो गई थी ना, तो मैं सॉरी करने आया था आपसे। अच्छा, इस तरह से छुप कर? जी। नहीं नहीं मामा, वो मैंने इसे बिठाया था यहाँ पर। क्यों? तुम्हारे ऑफिस में बैठने की जगह कम पड़ गई थी जो तुम्हें टेबल के नीचे बिठाना पड़ा? नहीं, ये बेचारी डर गई थी आपसे, इसलिए मुझे शायद यहाँ छुपा दिया। जो चीज किसी डर की वजह से पेरेंट्स से छुपानी पड़े वो ज्यादातर गलती होती है। मैं बहुत माजरत खा हूँ, मेरी बात सुने यार, करा दिया ना एक बार, फिर शर्मिंदा मुझे। वो मच्छू घर में बैंड बजाते रहते हैं, यहाँ तुम बैंड बजाती हो, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ छुपाने की? वो भाई जो होना था वो हो चुका है, तुम अब चच्ची को कॉल करो, परेशान हो रही होंगी। यार मैं सुनो, तुम क्लियर कर देना, मैं यहाँ किसी गलत नियत से नहीं छुपा हुआ था। मैं बेटी हूँ उनकी और वो बहुत ट्रस्ट करती है मुझ पर। जाओ चलो। ओके, डांट क्यों रही हो, जा रहा हूँ भाई। यार तुम मामा नहीं छोड़ेंगी। भाई साहब कुछ भी कहें, निकाह हो गया, अब ये बताएं कि आगे करना क्या है। करना क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने देने? ना जी ना, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, आर या पार। बहन जी जरा ब्रेक पर पांव रखिए, ये आपकी आर पार की कहानी हमारे दिमाग के भी आर पार हो रही है, दोनों बच्चे हैं अभी। और दो बच्चे और हैं जो गैर शादीशुदा है, उनको भी तो देखना है ना हमें भाभी। अरे वो तो कई सालों से बैठे हैं। वैसे मैंने सुना है फुटबॉल की वजह से आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। नहीं फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल खेलती है हमारी माला। एक ही बात है, वैसे ये खेल है कोई लड़कियों के खेलने वाला? खेल तो जो आपकी लड़की ने खेला है वो भी नहीं था खेलने वाला। चलिए होल्ड ऑन। भाई साहब कुछ भी कहें, मेरी फ्लाइट बुक हो चुकी है कनाडा के लिए, अगले 3 साल में पाकिस्तान नहीं आने वाली। भाई मेरे इमिग्रेशन का मामला है और हमारी रेपुटेशन का मामला है। बाऊजान। क्या बाऊजान से पूछ करने का किया था? बाऊ पूछा तो तुमने भी नहीं था दूसरी बार। अब ये दूसरी बार का क्या चक्कर है? आप उस चक्कर को रहने दीजिए और इस रुखसती के चक्कर पे ध्यान दें। मैं इसकी वालदा से बात करता हूँ और बताता हूँ आपको तारीख, लेकिन जो कुछ भी होगा वो सादगी से होगा। अंकल प्लीज, 10 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं और 8 मिलियन हैश के, ये सारे मिलियन आएंगे शादी पे। लेकिन इससे ये तो पूछ ले कि ये हैच कौन है? कौन है? तू हैश है? अच्छा करता हूँ तेरा। ऐश कर ले ऐश। निकाल लो अपने दांत बाहर वरना जबड़ा ना टूट जाएगा। बेवकूफ लड़की, तुमने उसे छुपाया क्यों? I swear सर, अच्छा हीरो वाली फील्स आ रही होंगी उस बेचारे को। यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक तो मामा के छापे मारने वाली है तो ना कभी नहीं जाएगी। वैसे अगर तुम गौर करो तो ये सारे कामयाब छापे एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंह से ना कोई मनहूस बात मत निकालो। चलो नहीं करती। बोल दो, पेट में दर्द होता रहेगा वरना तुम्हारे, और तुम्हारे दिमाग में जो धमाके फटते रहेंगे कि आखिर बात क्या थी। अब तुम मुंह से फूटोगी या उंगली मार के निकालो तुम्हारे हलक से। वो बात ये है कि अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल गेट्स का तो दामाद बन सकता है, मगर डॉक्टर राजिया का नहीं। बताऊं तुम्हें? है मुझे, मैं बहुत हूं। ये हॉस्पिटल है,
कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। सॉरी सर। तुम आज जल्दी घर चली जाना, गेस्ट आ रहे हैं। और डॉक्टर शबीर, बेड 3 के पेशेंट का कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा हमें फौरन। जी जी, जरूरी है ये। डॉक्टर, बेड 3 का पेशेंट कोलैप्स कर गया। ओह नो। आंटी, आंटी आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं समझाता हूँ ना घर वालों को। बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, चाहे खुद समझो चाहे अपने सारे खानदान को समझाओ। ये शाहीन जेट 13 तो अब टोरंटो एयरपोर्ट पर जाकर रुकेगा। चलो रूमी। जी माँ। आंटी समझाओ ना कुछ आंटी को। मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारा और मम्मा का मसला है, मेरा क्या है? मैं टोरंटो जाके वीडियोस बना लूंगी, हटो। रूमी, रूमी क्या हो गया? बिल्कुल ठीक नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। हाँ, तो वो भी तो खुद को सचमुच का जेट तैयार है समझ रही है। पहले जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा दी और अब डंडे के जोर पे तुम्हारी रुखसती कराने पर तुली हुई है। मुझे नहीं पता चाची, अगर वो लेके चली गई ना रूमी को कनाडा तो तुम सी ऑफ करने चले जाना एयरपोर्ट और वहाँ से वीडियो बना ले। सी ऑफ नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ आप लोगों को छोड़ के उनके साथ कनाडा, अगर 7 दिन में मेरी शादी ना करवाई चाची। अरे मेंढक को भी जुकाम हो गया, कहाँ है ये सफू भाभी, कहीं उर्दू के सफर पर तो नहीं निकल गई? जान मुझे तो सचमुच रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? 19 साल का बेटा है मेरा। तो चची क्या हो गया, 19 साल के जवान लड़के की कोई छोटी बहन या छोटा भाई नहीं हो सकता क्या? लोग क्या कहेंगे चांद? अरे लोगों की परवाह ना किया करें, लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना ही होता है। और बाबू भैया क्या सोचेंगे? भाऊजान क्या कहेंगे, वो तो खुश होंगे, वो कहेंगे मेरा एक छोटा भतीजा या भतीजी आने वाला है। चांद देखो कसम है तुझे। किस बात की? देखो घर में किसी को भी नहीं बताना, मैं और सलीम जो है ना वो अपने तरीके से बताएंगे सबको। ठीक है, लेकिन आपको भी कसम है फिर? किस चीज की? आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम तारा के हॉस्पिटल गए थे और आपकी मुलाकात उसकी वालदा से हुई है? तौबा यार, इतनी खड़ूस औरत थी कसम से, आंखें तो ऐसे माथे पे सजा के रखी थी उसने, जैसे कि मैं फीस में रियायत मांग रही हूँ। वैसे कितनी फीस ली तुमसे उसने? मुझसे तो कोई फीस नहीं, मुझसे तो कोई फीस नहीं ली, आपसे ली है क्या? नहीं, फीस तो मुझसे भी नहीं ली। और आपने दी भी नहीं? नहीं, उसने कुछ कहा ही नहीं। बहुत इसका मतलब है जान के खानदानी लोग हैं। अरे भाभी क्या हुआ आपको? आशु बता था आप हॉस्पिटल गई हैं। बताया तो था मैंने तुम्हें, बदहजमी हो गई मुझे। वो उनका क्या बना, हाशु के जो जबरदस्ती के ससुराल वाले आए थे? हाँ वो तो रुखसती की डेट लेने आए थे। रुखसती की डेट? अरे इनकी डेटे तो मैं निकालती हूँ अभी। हाँ भाई चांद, क्या बना तुम्हारी किस्मत के तारे का? अभी तो ग्रहण लगा हुआ है इस चांद को, इसलिए तो कह रहा हूँ मत्ती के हाथ पर बैठ कर लो, क्योंकि मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। मच्छू आप प्लीज रहने दें, जाके एनिमल प्लैनेट देखें यार। क्यों, एनिमल से मेरी शिकायत कर दी? तुम्हें उनको टाइम ही दे रहा। नाम तो देखो इसका क्या रखा हैश, जैसे छोटा सा पप्पी। वैसे चाची सारी आग आपकी लगाई हुई है। हाँ तो तुम भी तो मुझे धमकियां दे रहे थे कनाडा जाने की। वो तो अच्छा, इसका कनाडा तो मैं उतारती हूँ। सबर चप्पल थेरेपी शुरू कर दी, क्या हो गया चाची? अरे तो पूछो ना इससे, क्यों लेकर आया था उसको? केमिकल बॉन्ड बनने की इसकी उम्र है और लड़कियों के साथ बॉन्ड बना रही है। अरे यार मेरा हाथ छोड़, मेरा सर वैसे ही फट रहा है। आपको छोड़िए तो मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। हुआ क्या है पहले मुझे ये तो पता चले। अरे इनकी सास आई थी, डेडलाइन देगी है रुखसती की, और इन्हें कीड़ा काट रहा है मोहब्बत का, धमकियां दे रहा है कि घर छोड़ के चला जाएगा कनाडा। तो कर देना रुखसती, प्रॉब्लम क्या है? नहीं हाँ, मैं भी एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो, बड़ा भाई कुंवारा बैठा हुआ तुम्हें रुखसती की लगी हुई है। तो वो तो इनकी अपनी राय ली है। क्या बोला तुमने? मैं ना है डॉलर है इसको, पूरा पूरा लगा दो पानी से, पूरा पूरा गीला करो, पूरा पूरा मुंह पे मुंह पे मुंह पे। अरे नाखून गया मेरा, नाखून गया, नाखून गया, नाखून निकल गया। मैं भी निकल गया। बाय। हाय, एक अंडा वो भी गंदा,
दो होते तो कोई एक तो बेहतर निकल आता। खून निकल रहा है यार। अरे तुम अंडे बाद में गिनना चाहो, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। अच्छा, मगर फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास है ही नहीं। ओफो, तुम जाओ चाचा की गाड़ी से ब्रेक ऑयल ले आओ। ब्रेक ऑयल? हैं? जाओ ना ले आओ, मैं दुपट्टा ले आती हूँ, पाँव बांध लिया। दुपट्टा खराब हो जाएगा जो। तो क्या करूँ, पोछा ले आऊँ? अरे मैं खुद ही चला जाता हूँ हॉस्पिटल। ये हाशिर का कुछ करना होगा। जाली, व्हीलचेयर चलती है? हाँ। अच्छा, जरा आगे तक छोड़ दे यार। अरे चलो चलो। तुम्हें क्या हुआ? अरे आप मुस्तकिल क्यों नहीं एडमिट हो जाते यहाँ पे? तो ये चोट जानबूझ के थोड़ी लगाई है मैंने अपने अंगूठे पे। जमील भाई आप जाएं। अभी एक घंटे पहले ही तो गए थे आप यहाँ से। तुम क्यों नहीं चली जाती हो यहाँ से? हु? मैं तो चली जाऊंगी, मगर डॉक्टर राजिया काफी ऑफबीट चल रही है उस पेशेंट की वजह से। अरे हाँ यार, उस पेशेंट का तो मुझे भी बहुत अफसोस है, हालांकि काफी स्टेबल हो गया था वो तो। डॉक्टर तारा। यस मैम। आपकी मामा ने कहा है कि आप डॉक्टर सनम की गाड़ी में घर जाओ, कि मेहमान आने वाले हैं। और मामा वो तो ओटी में है ना डॉक्टर फरिया के साथ, आप जाओ। जी मैम। तू चांद और मैं तारा।